अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ हम लोग सवा नंबर 9 पढ़ रहे थे, परिंदों की दुनिया। तो हमने जो है बहुत सारे परिंदों के बारे में भी पढ़ा, आज थोड़ा सा बचा हुआ है वही पढ़ेंगे। देखो, परिंदों से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। परिंदों से जो है हमें बहुत सारे फ़ायदे जो है हासिल होते हैं, जैसे कि उनके अंडों को इंसान ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उनके अंडों को जो है इंसान ग़िज़ा के तौर पर यानी खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से बास का गोश्त भी खाता है, इनमें से कुछ जानवरों का गोश्त भी हम लोग खाते हैं, इंसान खाता है। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों को खाकर ये फसलों को उनके ज़रिए पहुंचाने वाले ज़रार से महफूज रखते हैं। और जो इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होता है ज़मीन में, उनको खाकर जो है ये कीड़े मकोड़े जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है यानी ज़रार पहुंचाता है, उससे जो है ये महफूज रखता है, क्योंकि ये जो है कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ उन परिंदों को ही पालना चाहिए जो तुमसे मानूस हो। यानी जो है हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें सिर्फ़ उन परिंदों को ही पालना चाहिए जो हमसे जो है मानूस हो, यानी जान पहचान वाले हो, या तो मतलब घरेलू हो। हमें उनसे उनको ही क्या करना चाहिए, पालना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना उस पर जुल्म है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी परिंदे को पकड़ कर ला के पिंजरे में कैद करना उस पर जुल्म, मतलब उस पर जुल्म करना, मतलब ये क्या है, जुल्म है। किसी परिंदे को पकड़ के ला के पिंजरे में कैद करना ये जुल्म है। जैसे कि अलामा इकबाल की नज़म परिंदे की फरियाद में तुम पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि अलामा इकबाल की एक नज़म है परिंदे की फरियाद, जिसमें आप लोग पढ़ोगे, परिंदे हमारे दोस्त हैं लिहाजा हमें उनका मुनासिब ख्याल भी रखना चाहिए। पर ये परिंदे जो है हमारे दोस्त हैं लिहाजा हमें उनका जो है अच्छी तरह से ख्याल भी रखना चाहिए। तो ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अल्फाज मानी भी देखेंगे, देखो अल्फाज मानी है आखिरकार यानी अंजाम कार या आखिर में, वाकिफ जानने वाला, करख्त सख्त या कड़ा, जिस्मात जिस्म की मोटाई लंबाई या चौड़ाई, सर्फ करना खर्च करना, धीमी हल्की या मध्यम, कलगे परंदों के सर पर ताज जैसी चोटी, बोर फलों से पहले पेड़ों पर फूलों की कोंपल, बखूबी अच्छी तरह निस्बत तालों या वास्ता, अंडों को सीना अंडों को गर्मी पहुंचाना, मरहूब दिल पसंद या पसंदीदा, आमद आना या आमदानी, बरामद होना बाहर आना, फलक आसमान। अब देखिए यहाँ पे सही तलफ़ुज़ से पढ़िए, फलक वाकिफ करख्त जिस्मात कलगे और मरहूब। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है सोचिए और बताइए। पहला है कीवी परंदा किस मुल्क में पाया जाता है, तो कीवी परंदा जो है जवाब देखो यहाँ पे है कीवी परंदा न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ठीक। कीवी परंदा जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा देखो, वो कौन सा परिंदा है जिसका जिक्र अक्सर शायरों ने अपनी नज़मों में किया है, तो पपीहा। देखो
پپیہ جو ہے کا ذکر اکثر شاعروں نے اپنی نظموں میں کیا ہے. ٹھیک, تو آج کے لیے یہاں تک ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ اس سے آگے سوال جواب خالی جگہ جو بچا ہے وہی ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے. خدا حافظ.